मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 11 नवंबर 2020 का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो अपने रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति मिले, जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, आप वही काम करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने घर परिवार में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आपको वार्तालाप करना होगा और अपने घर वालों से बात करने के बाद ही आप कोई परिवर्तन करें। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय के दौरान उस परेशानी को आपको खत्म करना होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और फिरोजी। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 5, यानी कि 5। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आप स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें। अपने पूजा पाठ से आप हनुमान जी को खुश करने का प्रयास करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।